गाइज, आज के सी प्लस प्लस के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शंस को क्यों यूज़ करें और फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या है। गाइज, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो पार्ट है इस प्लेलिस्ट का, इस कंप्लीट कोर्स का। तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस करें ताकि आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक सी प्लस प्लस का कहूँगा आनंद उठा सकें, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैंने यहाँ पर एक सी प्लस प्लस की फ़ाइल बनाई है, मैं एक और फाइल बनाऊँगा इसके ऊपर, मैं इस फाइल का नाम रखूँगा tutorial26.cpp। मैंने एक बॉयलर प्लेट बनाई थी अगर आप लोगों को याद हो तो बॉयलर प्लेट का जो कोड है वो मैंने लगा दिया है कोड स्निपेट के जादू से। अगर आप लोगों को नहीं पता ये कैसे हुआ तो मैं बताता हूँ, यहाँ शॉर्टकट में, सॉरी यहाँ पर स्निपेट्स में आप लोग जाएँ, स्निपेट्स, यूजर स्निपेट्स में, और वहाँ पर जाकर आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया अर्लियर इस कोर्स में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस को। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सिंपल सी क्लास बनाऊँगा, मान लो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और सेमीकोलन लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट ए बनाऊँगा, बी बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, इस पब्लिक को फंक्शन बनाऊँगा, सेट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ void सेट नंबर, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इंट n1 n2। और ये सेट नंबर फंक्शन क्या करेगा, सेट नंबर फंक्शन सिंपली, यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, जो ए है उसको कर देगा n1 और जो बी है उसको कर देगा n2, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। और प्रिंट नंबर क्या करेगा, एक void प्रिंट नंबर भी बना देता हूँ, और प्रिंट नंबर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा, और ये क्या करेगा, ये सी आउट करेगा बेसिकली और बोलेगा योर नंबर इज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, और उसके बाद आ जाएगा प्लस आयोटा, या फिर एक काम करता हूँ प्लस वो नंबर लिख देता हूँ और फिर आयोटा। और मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिल्कुल भी परेशान मत होना क्या होते हैं, बस ऐसा समझ लो एक टू डायमेंशनल नंबर है जिसकी दो डायमेंशन है और अलग अलग ये डायमेंशन जो है ऐड होंगी। जैसे कि अगर ए वन प्लस, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। 1 + 4i अगर मैंने किया और उसी के साथ साथ 5 + 8i मैंने किया, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो 6 + 12i हो जाएगा। कैसे हुआ ये, 5 और 1 को मैंने ऐड किया, 8 और 4 को ऐड किया। तो बेसिकली आप इसको सिंपल सी एलजेब्रा ही समझ लो कि अगर इन दो नंबर्स को ऐड करना है, आई एक वेरिएबल है, तो इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ उसको ऐसे बना के, ताकि आप लोगों को पता चल जाए इस समय और क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। सो आई होप कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो है नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मेरा मकसद सिर्फ क्लासेस और फ्रेंड फंक्शन स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है। अब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के दो वेरिएबल्स बना सकता हूँ, C1 और C2। मैं कहूँगा C1.setNumber, C1 लिखना था, C1.setNumber, और मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ जो ऊपर लिया 1 और 4, ठीक है। तो C1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 + 4i। सिमिलरली वही काम मैं C2 के साथ करूँगा, और उसमें मैं 5 और 8 देने वाला हूँ, 5 यहाँ दिया 8 यहाँ दिया, सेव किया इसको। और जैसे ही मैं ये करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, C1.setNumber मेरा हो जाएगा C2.setNumber, लिखना था मुझे यहाँ पर, C1 और C2 दोनों मेरे सेट हो चुके हैं इन दो नंबर्स के। अब अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो मैं इनको ऐड करने का एक फंक्शन बना सकता हूँ, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, C1.printNumber करूँगा, C2.printNumber करूँगा, और चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एंडल भी लगा दूँगा, ताकि जब भी नंबर प्रिंट हो तब मुझे एक न्यू लाइन भी देखने को मिले, वरना एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नहीं, C++ में है, ना ही पाइथन में है, तो सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलें। अब मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, और आप लोग देखिए, योर नंबर इज 1 + 4i, योर नंबर इज 5 + 8i। और मेरे हिसाब से प्लस के बाद एक स्पेस लगा दूँ तो थोड़ा सा और चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी, और आप लोग देखो यहाँ पर और अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए हैं, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ, अगर मान लो मैं एक बहुत ही मासूम इंसान हूँ, जो कि शायद मैं हूँ ही,
कोडिंग के मामले में नहीं, रियल लाइफ में, लेकिन मान लो मैं कोडिंग के मामले में भी बहुत मासूम हूँ और मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं है कि क्या मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करूँ, मैं कहूँगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि कॉम्प्लेक्स रिटर्न करेगा, और कॉम्प्लेक्स रिटर्न करने के बाद वो क्या करेगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा सम कॉम्प्लेक्स, और वो दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लेगा, और एक तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या लेगा, एक तो लेगा वो मान लो O1, एक O2 ले लेगा, ठीक है। अब वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न, और मैं एक काम करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा उसके अंदर O3, और उसको रिटर्न करेगा, और वो क्या करेगा, O3 को किस तरह से उसकी वैल्यूज को सेट करेगा ये देखना, वो लिखेगा यहाँ पर O3 डॉट सेट नंबर, ठीक है, O3 डॉट सेट नंबर, O1 डॉट क्या था, ए प्लस O2 डॉट ए, और उसी के साथ साथ O1 डॉट बी प्लस O2 डॉट बी, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, इन दो इंटीजर्स को सम कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर ये सजावट तो विजुअल स्टूडियो कोड ने कर ही दी है बताने के लिए कि जो आप कर रहे हैं जी वो बहुत गलत है, लेकिन तब भी मानते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, C3 इज इक्वल टू, या फिर सम इज इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स और C1 C2, मान लो हम इन दोनों को सम करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक सम भी बना देता हूँ, सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया क्या, उप्स, सिर्फ सम नो, न कि सम कॉम्प्लेक्स, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा देखो भाई हम C1 और C2 नाम के दो नंबर बना रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऊपर कर देता हूँ, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट टू कीप थिंग्स कंसिस्टेंट, मैं यहाँ पर इसको C1 डॉट सेट नंबर किया मैंने पहले, फिर प्रिंट किया, फिर C2 डॉट सेट नंबर किया और उसको प्रिंट किया। मैंने कहा भाई देखो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे दे दो, C1 C2 और सम, C1 को कर दो 1+4 iota, C2 को कर दो 5+8 iota। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता है और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करता है, बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक जिस रूल को मैंने बताया था आप लोगों को यहां पर, कि भाई जो ए है उनको अलग से सम कर लो और जो बी है उनको अलग से सम कर लो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ए और बी दोनों को अलग अलग से सम कर लिया, O1 O2 के ए को सम कर लिया, O1 O2 के बी को भी सम कर लिया, ठीक है, और रिटर्न कर दिया O3। अब मैंने सम ये कर दिया, अब मैं लिखूंगा सम डॉट प्रिंट नंबर, ताकि मैं सम को प्रिंट कर सकूं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स में लिखें नीचे और मुझे बताएं क्या होगा, मैं पॉज करूंगा आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग इस कोर्स को सीरियसली देख रहे हैं तो काइंडली प्लीज कॉमेंट लिखिए नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कॉमेंट लिखने का। आई होप कि आप लोगों ने अब तक नीचे वीडियो पॉज करके कॉमेंट लिख दिया होगा। तो चलो बात करते हैं क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको रन ही कर लेते हैं, बात क्या करते हैं, एरर तो आना ही है क्योंकि यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ने बता ही दिया है पहले, लेकिन मान लो नहीं भी बताया होता तब भी रन करके एक बार देखते हैं, और ये देखो इतने सारे एरर्स। तो बेसिकली एरर क्या कह रहे हैं, मैं इसको नीचे करके आप लोगों को बताता हूँ इन एरर का मतलब क्या है। ये एरर सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आप एक दूसरे फंक्शन होने के बाद, देखो क्लास तो यहाँ खत्म हो गई है, ये कह रहे हैं कि आप एक दूस सम कॉम्प्लेक्स से, कह रहा है कंपाइलर, कह रहा है बेटा सम कॉम्प्लेक्स, ज़रा एक बात बता, तू कॉम्प्लेक्स के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है तू, हाँ कॉम्प्लेक्स क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को तुम क्यों एक्सेस करोगे। सम कॉम्प्लेक्स बोलेगा कि भैया जी कॉम्पाइलर जी क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स ने मुझे परमिशन दे रखी है ऐसा करने की, फिर कंपाइलर बोलेगा, कंपाइलर एक तरह से पुलिस की तरह है, ठीक है, अगर अगर आप किसी की दुकान में घुस के और उसकी दुकान तोड़ते हैं तो पुलिस तो आपको पकड़ेगी ना, ये थोड़ी ना बोलेगी कि दुकान ने परमिशन दी, लेकिन अगर दुकानदार ने आपको उसकी दुकान तोड़ने की रिटर्न परमिशन दी है तो शायद पुलिस कुछ ना करे, ठीक है। तो यही कुछ ऐसा है, तो सम कॉम्प्लेक्स से कॉम्पाइलर कहता है कि कॉम्प्लेक्स क्लास से लिखित में लिखवा कर लाओ, कॉम्प्लेक्स क्लास से लिखित में लिखवा कर लाओ कि तुम्हें परमिशन है उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की। तो ये कहता, सम कॉम्प्लेक्स कहता है यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कॉम्प्लेक्स से पूछ लो जाकर, आप जाकर कॉम्प्लेक्स से पूछ लो, मैं और कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉम्प्लेक्स क्लास और मैं जो फंक्शन हूँ बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, वो मुझे अपना प्राइवेट डेटा दे देता है, बिल्कुल भी मुझ पर वो कोई भी शक नहीं करता है।
सम कॉम्प्लेक्स से पुलिस बोलेगी कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पर रूल ऐसे काम नहीं करते हैं। तुम बोलो मैंने भरोसा कर लिया, तुमने बोला ऐसे नहीं होता है, ठीक है तुम क्या करो अगली बार से ऐसा कुछ भी काम हो तो उस कॉम्प्लेक्स को बोल देना कि अपने अंदर डिक्लेरेशन दे दे एक, और बता दे कि भाई सम कॉम्प्लेक्स मेरा दोस्त है। तो सम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को फ़ोन करेगा, कहेगा यार कॉम्प्लेक्स क्लास, कॉम्प्लेक्स क्लास बोलेगी हाँ भाई सम कॉम्प्लेक्स बताओ। बोलेगा कॉम्प्लेक्स क्लास मैंने तुम्हारा प्राइवेट डेटा एक्सेस करने की कोशिश की, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और पुलिस ने मुझे रोका, यानी कि कंपाइलर ने मुझे एरर थ्रो करके दे दिया। क्लास कॉम्प्लेक्स बोले कि रुको मैं लिखित में लिख देता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड और उसके बाद लिख देंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने कहा फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो जी मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया, ठीक है। और तुम लेते हो दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स O1 कॉम्प्लेक्स O2, ठीक है। उनने कहा लो जी मैंने तुम्हें बना लिया अपना दोस्त, अब बताओ तुम। तो ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद अब लिखित में परमिशन मिल चुकी है सम कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्लास से कि वो उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर लगता है मैंने एक ब्रैकेट कम लगाई है, हाँ मैंने एक ब्रैकेट एक पैरेंथेसिस कम लगाई है, तो ये पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा दिया मैंने अभी। और अब देखो यहाँ पर सारे विजुअल स्टूडियो कोड वाले एरर भी गायब हो चुके हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार सबसे पहले, और फिर बात करेंगे इस प्रोग्राम की, ठीक है। रन किया मैंने इसको इस प्रोग्राम को, और ये देखो ये योर नंबर इज 1+5 आयोटा, योर नंबर इज 5+8 आयोटा, योर नंबर इज 6+12 आयोटा, यानी कि 5 और 1 6, 8 और 4 12। तो यही होता है फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, यही फ्रेंड फंक्शन होता है। क्या होता है फ्रेंड फंक्शन बेसिकली, क्या होता है कि कंपाइलर एक पुलिस की तरह होता है। कंपाइलर किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को किसी दूसरे फंक्शन को एक्सेस करने नहीं देता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास से इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये एक फॉरेन फंक्शन है जिसको हो सकता है कि ये क्लास जानती ना हो, और ये फंक्शन हो सकता है चोर हो, ये फंक्शन चोर भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा कोई दुकान तोड़ रहा है तो वो चोर नहीं होगा। इसीलिए कंपाइलर नाम की पुलिस इसको पकड़ती है, कहती है अबे ए प्राइवेट डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हो तुम, तुमने O2 का यानी कि कॉम्प्लेक्स क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइवेट डेटा कैसे एक्सेस किया, ये बोल के कंपाइलर पकड़ता है। और उसके बाद एक नियम बना जिसमें क्या कहा गया कि भाई अगर तुम किसी के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते हो तो तुम्हारे पास उससे लिखित परमिशन होनी चाहिए। किससे लिखित परमिशन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्लास से। तो कॉम्प्लेक्स क्लास से लिखित परमिशन कैसे दी जाती है, फ्रेंड फंक्शन के तौर पे दी जाती है। अब मैंने अगर फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये फंक्शन है सम कॉम्प्लेक्स वो इस क्लास का मेंबर फंक्शन बन गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अभी C1.set कॉम्प्लेक्स कर दूँ और यहाँ पर काम करे वो, नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी सम कॉम्प्लेक्स प्रिंट करूं ऐसा नहीं है, मैं C1 से सम कॉम्प्लेक्स को नहीं चला सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है, ये इसका मेंबर फंक्शन नहीं बन गया है। समझ समझना आप लोग कि ये जो सम कॉम्प्लेक्स है वो इसका पार्ट बन चुका है कॉम्प्लेक्स का, नहीं, ये सिर्फ एक बाहरी फंक्शन है जिसको कुछ परमिशंस मिली हुई हैं इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की, और यही फ्रेंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को लिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है। अब मैं थ्योरी को मिनिमल रखना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों को इस तरह से लिखा रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी आप लोगों को लिखा दूं, क्योंकि थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी, और अगर आप लोग का सिर्फ सोल मकसद ये है कि आप कोडिंग ना करते हुए आंसर शीट भरें एग्जाम की, तो किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है वहाँ से रटा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक सॉलिड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, एक सॉलिड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, और जिस तरह से मैं आप लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग ट्रेन होना चाहते हैं, तो मैं थ्योरी को मिनिमल रखते हुए इस तरह से यहाँ पर सोर्स कोड में आप लोगों को लिखवाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बट मैं मिनिमल रखते हुए थ्योरी को यहाँ पर इस वीडियो को एक्सप्लेनेटरी वीडियो ज़्यादा रखना चाहता हूँ और थ्योरेटिकल वीडियो कम रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास, ये क्लास के स्कोप में नहीं होता, इसका क्या मतलब है, यानी कि फंक्शन एक क्लास, ये फंक्शन उस क्लास का हिस्सा नहीं है। किस क्लास का हिस्सा नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्लास का हिस्सा नहीं है जिसमें फ्रेंड फंक्शन है। ये सिर्फ इतना कहता है, इस डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि भाई सम कॉम्प्लेक्स को मेरे प्राइवेट डेटा एक्सेस करने की इजाज़त दी जाए, इसका मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ यार, ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ, ब्लू लाइन मीन्स दैट सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन
इज अलाउड टू डू एनीथिंग विद माई प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, थोड़ा अजीब लिख दिया मैंने बट आप लोग समझ गए होंगे. बिलो लाइन मीन्स दैट सम दैट दैट नॉन मेंबर फंक्शन, नॉन मेंबर सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अलाउड टू डू एनीथिंग विद माई प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, ठीक है. अब यहां पर क्या है, मेंबर्स सेव किया मैंने और उसी के साथ साथ यहां पर नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास है पहला. दूसरा, सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. तो C1 डॉट, ठीक है, ये इनवैलिड है. इस एग्जाम्पल में C1 डॉट सम कॉम्प्लेक्स इनवैलिड है. आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से सम कॉम्प्लेक्स को कॉल नहीं कर सकते, अलग से कॉल कर सकते हो, ठीक है. और इसी का तीसरा पॉइंट बनाकर लिख देता हूँ, और कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसको इन्वोक करने के लिए, बिना किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प के इन्वोक किया जा सकता है अकेले बस. और इसमें एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, यूजुअली कंटेन्स द आर्ग्यूमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट लिखना चाहिए मुझे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इनपुट में लेता है. जैसे इस यहाँ पर लिया इसने कॉम्प्लेक्स O1 कॉम्प्लेक्स O2, यूजुअली अगर नहीं भी लेगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेंड फंक्शन नहीं कहलाएगा उसके बाद. बट मोस्टली आप लोग इसको कुछ ऑब्जेक्ट्स देते हैं ताकि उनका प्राइवेट डेटा एक्सेस किया जा सके, ठीक है. तो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही पढ़ा इसको. अब यहाँ पर क्या है नंबर 5, मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी आप इसको लिख सकते हो. मैंने यहाँ पर पब्लिक वाले पार्ट में लिख दिया इसको, मैं प्राइवेट में भी लिख दूँ अगर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर भी ले आऊँ, बाहर भी लिख दूँ अगर इसको मैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेव करूँगा, रन करूँगा प्रोग्राम को, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल जो आउटपुट था वही आउटपुट वापस से मेरा आ चुका है, देखो, ठीक है. अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं लिखना चाहता हूँ, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स डायरेक्टली by their names and need object name dot और membership operator use करके member name, ठीक है, to access any member. मैंने सही लिखा है, पढ़ लेता हूँ, it cannot access the members directly by their names and need object name dot member name to access any member, ठीक है. इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, प्रिंट ए सी आउट ए लिख दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ए यहाँ पर डिफाइंड नहीं है. किसका ए, किसका ए, O1 का ए, O2 का ए, किसका ए, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. क्लास के अंदर अगर मैं वो बोलता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का ए, जो भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका ए, तो वहाँ पर मैं ए और बी लिख सकता हूँ. ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर N1, बी इज इक्वल टू N2 लिख दिया. लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो किसका ए, तो वो उस बात का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है. तो एक ये हो गई, और ये थी प्रॉपर्टीज फ्रेंड फंक्शंस की. और आई होप फ्रेंड फंक्शन अब तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को. और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस के बारे में थोड़ा और ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रेंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को एक क्लास के लिए एक्सटेंड करेंगे. गाइस अगर आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं एकदम और मज़ा आ रहा है एकदम, मुझे कॉमेंट में बताएं ज़रूर. अगर आप लोग नहीं बताया मुझे अभी तक तो काइंडली आप कमेंट में अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाएं, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है. सो अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना. उसी के साथ साथ अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव. और वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक्स के हिसाब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है यार. और मैं मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लाइक्स का मतलब एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है मेरे लिए, और मुझे पता चलता है कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है. सो सोर्स कोड जो है वो मैं आप लोगों को एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.